हेलो स्टूडेंट्स, मैं भगवत सिंह उदावत सॉल्यूशन करूंगा मिड सेशन सेवन्थ का, जिसके अंदर टॉपिक है कैपेसिटेंस, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, द कलर ऑफ द रिंग ऑन द रेसिस्टर आर ब्राउन, येलो, ग्रीन एंड गोल्ड। ये आपको कलर गिवन है और इसके बेसिस पर अपन को पता करना है कि इसमें से रेसिस्टेंस कौन सा है। तो आपको ये सिक्वेंस याद होगी, बी बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ वाली आपको सीक्वेंस याद रहेगी। देखो इसमें अपन को पता है कि फर्स्ट सीक्वेंस क्या होती है, ये जो होता है वो होता है ब्लैक, जीरो से स्टार्ट होता है, फिर ये वन, फिर ये टू, ये थ्री, फोर, ये आपको सीक्वेंस पता होती है। तो एक्चुअली जो ब्राउन है, ब्राउन है, ब्राउन के लिए आएगा फर्स्ट, तो इसका फर्स्ट डिजिट आएगा वन। उसके बाद अपने पास कौन सा है, येलो, येलो के लिए है फोर, तो ये फोर, और ऐसे ही अपन इस ग्रीन का वैल्यू पुट करेंगे तो ये टेन की पावर होती है, तो और ये जो होती है टॉलरेंस, टॉलरेंस गोल्ड की है, गोल्ड की होती है 5%। तो अपन इसको यदि सॉल्व करते हैं तो अपने पास आंसर आ जाएगा फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 वोल्ट बल्ब B1, इसका जो है वो है 100 वोल्ट एंड टू B1 एंड B2, इन दोनों का है 60 वोल्ट। वॉट आर कनेक्टेड टू द 250 वोल्ट सोर्स एज शोन इन द फिगर। नाउ W1 एंड W2 एंड W3 आर द आउटपुट पावर्स ऑफ द, देखो ये आपको पावर दे रहेगा। सबसे पहली बात तो जब भी आपको पावर गिवन होता है तो गिवन होता है गिवन वोल्टेज के लिए, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको जो भी पावर दिया किसी गिवन वोल्टेज के लिए है। सो अपन को चेक करना पड़ेगा कि पावर की हेल्प से रेसिस्टेंस किसका ज़्यादा है। तो एक बात तो मुझे पता चल रहा है कि जो R2 है, R2 इक्वल टू R3, ठीक है। एंड नाउ अपन को यदि B1 और B2 को कंपेरिजन करना है तो देखो पावर का फॉर्मूला होता है, दैट इज V² डिवाइड बाई R। सो बेसिकली R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P, ठीक है। अब देखो पावर किसका ज़्यादा है, 100 का B1 का पावर ज़्यादा है, तो डेफिनेटली पावर जो रेसिस्टेंस है ऑफ द वन विल बी रेसिस्टेंस देन टू और थ्री, जिससे भी आप कंपेरिजन करो वो आंसर चलेगा। देखो मेरे पास तो क्या डेटा आ गया, R2 इज इक्वल टू R3। ओके, तो ये मेरे पास फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आई है जो हमको याद रखनी है। नाउ इसको यदि कनेक्ट किया है 250 वोल्ट से, अब इसे कनेक्ट किया है तो कौन, इसके जो सीक्वेंस है उसकी क्या रहेगी, अपन को सिंपल सा पता करना है। तो पहली बात, यदि मैं करता हूँ कंपैरिजन बिटवीन B1 एंड B2, तो मैं यहाँ पर इसको करता हूँ लेट B1 एंड B2। नाउ ये सीरीज के अंदर है, तो यदि सीरीज के अंदर है तो पावर का फॉर्मूला क्या रहेगा, पावर इन सीरीज होता है I² × R। इसका मतलब पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो मुझे यहाँ से देखें तो पता चल गया कि जो B1 है, सॉरी जो B2 है उसका जो है वो B1 से ज़्यादा रहेगी। मतलब एक बात बोल सकता हूँ कि W2 इज ग्रेटर देन W1, वो सिंपल सही है क्योंकि I सेम रहेगा। और B2 और B3 को कंपेरिजन करना है। अब देखो ये सिंपल सा कंपेरिजन है, कोई बड़ा काम नहीं है। B2 और यदि मैं B3 को कंपेरिजन करूँ तो क्योंकि यहाँ पर ये करंट ज़्यादा आएगा दोनों में, ये जो B है ना इसमें करंट ज़्यादा रहेगा, ये दोनों सीरीज में है तो इसके अंदर करंट कम आ जाएगा। तो इसमें करंट, सपोज मैं मानता हूँ इस सीक्वेंस के अंदर करंट I1 है और इसके अंदर करंट है I2, तो E1 कितना आएगा, E/R1+R2, जबकि ये कितना आएगा, E/R2 और R3। तो डेफिनेटली इसमें जो करंट है वो ज़्यादा है। अब देखो B2 और B3 है ना, उनका रेसिस्टेंस सेम है तो करंट ज़्यादा है, जिसका करंट ज़्यादा रहेगा उसकी पावर ज़्यादा, तो ये पता चल गया कि B3 है इसकी पावर क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ये जो B3 है इसकी पावर ज़्यादा, तो ये अपने पास सीक्वेंस आ गई, आंसर इज 4th। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं, तो इसको पहले मिटा देते हैं। नेक्स्ट है, ए नेटवर्क ऑफ द रेसिस्टेंस सेल एंड कैपेसिटेंस सी, जिसका 2 माइक्रोफैराड दे रहा है शोन इन द फिगर इन स्टेडी स्टेट कंडीशन। पहली बात क्वेश्चन में गिवन है कि स्टेडी स्टेट है, इसका मतलब है कि जो कैपेसिटर है वहां से करंट नहीं जाएगा।
is Q while R is unknown resistance, value of Q and R, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि Q और R का वैल्यू कितना है. तो देखो पहली बात तो क्या करना है, यहाँ से आपको इक्वेशन लिखना शुरू करो. तो 10 प्लस 2 माइनस 2, अब ध्यान से देखो आपको करंट गिवन है 1 एम्पियर, और क्योंकि स्टडी स्टेट में है तो करंट ऐसे नहीं जाएगा, करंट सीधे ऐसे आ जाएगा. तो माइनस 1 into R इज इक्वल टू कितना आ गया, 0. ठीक है, तो यहां से R सॉल्व करेंगे तो R का वैल्यू आ जाएगा 10. इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, अपने पास 10 नंबर आ गया, आंसर इज फर्स्ट. ओके, सो नेक्स्ट नेक्स्ट, द मीटर ब्रिज इज सेट अप एज शोन इन द शोन टू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस. आपको इसको अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना है. द गैल्वेनोमीटर शो ऑल नल पॉइंट व्हेन टैपिंग की इज एट 52 सेंटीमीटर. ये आपको दे रखा है 52 सेंटीमीटर. ठीक है, ये आपको दे रखा है 52, तो डेफिनेटली ये कितना रहेगा, 48. ठीक है, तो ये अपने पास रहेगा 48. अब आपको आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, नेक्स्ट पूछा है एक इंपॉर्टेंट यहां पर बात ये बोले की है, इज एंड करेक्शन आर 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर रेस्पेक्टली फॉर द एंड ए एंड बी. ए पॉइंट यहां पर है, बी पॉइंट यहां पर, आपके पास एंड करेक्शन है 1-1 का. तो इसका मतलब जो एरर, ये जो मेजरमेंट कर रहे हैं इसके अंदर अपन को इस साइड 1 जोड़ना पड़ेगा, इधर 2 ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा बिकॉज एंड करेक्शन है. तो आपको ये फाइंड करने का फॉर्मूला पता है, एक्स इंटू 50 जो 48 है इसके अंदर आपको 2 ऐड करना है, इक्वल टू वहां 52 है, रेजिस्टेंस कितना है 10, तो ये हो गया 53. ठीक है, इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट आंसर सेकंड. एंड करेक्शन में ऐड करना पड़ेगा. नेक्स्ट नेक्स्ट, द करंट डेंसिटी वेरीज विद द रेडियस डिस्टेंस आर एज जे इज इक्वल टू आर. ये आपके जो डेंसिटी है वो ऐसे वेरी कर रही है, इन द सिलेंडर वायर ऑफ द रेडियस आर द करंट पासिंग थ्रू द वायर बिटवीन द रेडियल डिस्टेंस आर बाई 3. देखो इसको मैं डायग्राम में से बना दूं, ये मेरे पास एक वायर है जिसकी रेडियस आपको आर दे रखी है, ये मैंने टॉप व्यू बनाया है सो दैट आप समझ सको, और इसके जो डेंसिटी वो ऐसे वेरी कर रही है, दैट इज ए आर स्क्वायर. और आपको करंट पूछा है कि यदि यहां पर ये और एक यहां का जो सीक्वेंस है, मतलब इसके अंदर आपको करंट पूछा है, तो देखो करंट फाइंड करने का मेथड है उसको मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम लेकर जाता हूं. देखो करंट कैसे फाइंड करना है, करंट अपन लेंगे यहां से आर डिस्टेंस पर एक छोटा सा एरिया, ये वाला, इस एरिया को मैं लिख सकता हूं डी ए, और ये आएगा 2πr इंटू डी आर, लेंथ इंटू विड्थ. तो जो आई आएगा डी आई वो आएगा जे इंटू डी ए, जो उस सेक्शन में से जो जाएगा वो. तो मेरे पास डी आई का वैल्यू आ गया, जे कितना है ए आर स्क्वायर, और डी ए की जगह आ जाएगा 2πr डी आर. ठीक है, ओके, अब क्या करना है, अब मुझे सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना है. इंटीग्रेट अपन कर लेंगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2πa, तो आ जाएगा बार आर की कॉम पावर डी आर लिमिट. क्वेश्चन में कहां तक बोला है आपको, क्वेश्चन में बोला है आर बाई 3, तो आर बाई 3 टू आर बाई 2. ठीक है, जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो यू विल गेट आंसर फर्स्ट. नेक्स्ट नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रॉन एंटर एन इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग द इंटेंसिटी, आपको ई दे रखा है, एंड मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन दैट इज ए विद द वेलोसिटी ए, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन. तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी. ठीक है, तो क्योंकि आप आईआईटी के बच्चे हो तो मुझे नहीं लगता है कि इसको आपको बताने की जरूरत है इसको सॉल्व कैसे करना है. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो इसको सॉल्व करना जरूर हो सकता है, आपको दिक्कत है तो मैं वो बता देता हूँ आई कैसे करना है. तो देखो आई जे के वेलोसिटी कौन सी है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर है ही नहीं, और जो बी है बी कितना है 2, देखो वैसे तो आपको बहुत सिंपल सा आ रहा है ये 0, आपको यही पता चल गया होगा, आपको आता है तो वो 0, तो फोर्स जो लगेगा वो सिर्फ इसके कारण लगेगा, तो इसके कारण जो आएगा वो फोर्स सिर्फ ये वाला आएगा. ओके, मतलब मैग्नेटिक के कारण
करेगा नहीं क्योंकि मैग्नेटिक और वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है. नेक्स्ट नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल. देखो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल एंटर इन द रीजन ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद द सेम वेलोसिटी. आपको बोला है कि इसमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन है. देखो एक सिंपल सी बात है, न्यूट्रॉन है वो डिफ्लेक्ट होगा नहीं, ये तो क्या न्यूट्रॉन. अब उसमें से एक तो नेगेटिव चार्ज है, दो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो है पॉजिटिव चार्ज है ये है इलेक्ट्रॉन फोर्थ. नेक्स्ट नेक्स्ट द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर वायर लूप ऑफ साइड एल. बहुत ये है अपने पास, ठीक है. इसकी साइड कितनी है एल. आपको पूछा है इसके सेंटर पर, डायगोनल कहां पर कट करता है, इसके सेंटर पर. तो आपको ये पता है फॉर्मूला क्या होता है किसी वायर के कारण, वो होता है म्यू नॉट आई डिवाइड बाई टू पाई. आर क्या होता है ये डिस्टेंस, तो मैं इसको लिखूंगा एल बाई टू, सॉरी फोर पाई, फोर पाई आर है एल बाई टू. और यहां होता है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा. नाउ अल्फा और बीटा दोनों क्या है 45, 45, तो मैं सीधा लिख रहा हूं टू साइन 45, ठीक है. और एक वायर के कारण है, चार के कारण इसको ऐड हो जाएगा, ठीक है. तो ये अपना जो है एट हो गया, और इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ वन. ओके नेक्स्ट नेक्स्ट इन एन एमीटर 0.2% ऑफ द मेन करंट पासेज थ्रू द गैल्वेनोमीटर. इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज जी, द रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर विल बी. देखो क्या बोला आपको कि 0.2% करंट जा रहा है, तो लेट ये करंट अपने पास टोटल आई है, यहाँ आपके पास गैल्वेनोमीटर है और यहाँ पर एक संट लिखा हुआ है जिसका वैल्यू है आर एस. अब इसमें कितना करंट जा रहा है, इसमें जैसे सपोज करंट आई इतना जा रहा है तो इसका 0.2%, तो यहां जो करंट आएगा वो कितना आएगा 0.2 डिवाइड बाई 100 इनटू आई, इतना करंट जा रहा है. तो कितना हो गया करंट, ये हो गया 0.002 आई, ठीक है, वो थोड़ा ध्यान रखना. ओके यहां कितना हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा आई माइनस 0.002 into I, क्योंकि बाकी करंट सब किसमें से जाएगा, इसमें से. तो ये कितना आ जाएगा 0.998, ये आई जाएगा किसमें से, इसमें से. ये जो है मैं इसको यदि I1 मानता हूँ तो ये I1 है. अब आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा ही है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, तो मैं लिखूंगा G इंटू इसमें से जो करंट गया दैट इज 0.002 इक्वल टू रेसिस्टेंस ऑफ द संट, कितना करंट गया इसमें से 0.998 I, यहां से अपने पास आर एस आ जाएगा. नो आपको रेसिस्टेंस किसका पूछा है, आपको रेसिस्टेंस पूछा है, ये आएगा 1/4449. अब आपको पूछा है गैलो इस एमीटर का, तो एमीटर का रेसिस्टेंस क्या रहेगा, एमीटर का दोनों पैरेलल में है, तो दैट इज आर जी आर एस आर जी प्लस आर एस, ठीक है. जब वैल्यू पुट करोगे वी विल गेट आंसर थर्ड वन. ओके नेक्स्ट नेक्स्ट टू पैरेलल वायर पी एंड क्यू प्लेस एट द सेपरेशन ऑफ आर 6 सेंटीमीटर, इसका 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस है. इलेक्ट्रिक करंट I1 ये है अपने पास 5 एम्पियर एंड I2 है 2 एम्पियर. फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन पी क्यू वेयर द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज 0. देखो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, पहली बात तो देखो एक दूसरे का ऑपोजिट करंट है, ये अंदर जा रहा है तो यहाँ पर बाहर आ रहा है, तो इन साइड तो कभी 0 हो ही नहीं सकता क्योंकि इन साइड दोनों डायरेक्शन एक ही आ जाएगी. यदि मैं जैसे इसके कारण मानूँ, सपोज कि जैसे ये वायर ऐसे है तो करंट अंदर जा रहा है तो यहाँ पर बी की डायरेक्शन आएगी, ईस्ट साइड में कोई भी जाओ ऐसा आएगा. और यदि मैंने वायर ये यहां पर लिया है तो इसके कारण ही करंट बाहर आ रहा है तो यहां पर नीचे आएगा, तो ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे इधर, तो ठीक है. हाँ यहां पर जरूर है B1 तो रहेगा ऐसे, B1 किसके कारण है, इसके कारण, ठीक है. और ये बाहर जा रहा है तो इसके कारण आएगा ये ऐसे B2.
ठीक है। तो हालांकि इधर भी एक बी की पॉसिबिलिटी है, डायरेक्शन ऑपोजिट होती है क्योंकि इस बी वन के कारण ये करंट ऐसे जा रहा है, अंदर जा रहा है तो ये आएगा ऊपर, तो बी वन यहाँ पर ऐसे आएगा और बी टू ऐसे आएगा, लेकिन यहाँ पर जीरो नहीं होगा क्योंकि करंट एक्चुअली है ना यहाँ पर 2 एम्पियर है। तो जो करंट जिसके पास कम होता है ना वहां पर बी जीरो होता है, क्योंकि डिस्टेंस कम रहेगा ना तो बी का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। भाई बात समझ में आई, करंट ऑलरेडी ज्यादा है, मुझे बी को इक्वल करना है तो डिस्टेंस क्या चाहिए, कम, बिकॉज फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2πr। ठीक है, तो बेसिकली इस साइड पॉइंट आएगा और लेट अपन मान लेते हैं वो पॉइंट आया एक्स। तो अब मुझे क्या करना है, इक्वल करना है बी वन इज इक्वल टू बी टू, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल करना है। नाउ बी वन कितना है, यदि मैं बी वन इसके कारण एज्यूम करता हूँ एक मिनट के लिए, तो म्यू नॉट 5, अब बाकी चीजें लिखनी नहीं अपन को, 2π, इसके लिए डिस्टेंस हो जाएगी r प्लस एक्स, इसके लिए हो जाएगा म्यू नॉट, ये कितना है, इसमें करंट है 2 डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट प्लॉट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वी वर्सेज डिस्टेंस। तो ये आपको पता है कि जो बी इनसाइड होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, इसका फॉर्मूला भी होता है आपको याद हो तो, दैट इज म्यू नॉट बाई 2 जे क्रॉस आर इनसाइड के लिए। ठीक है, तो इनसाइड तो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली देखा जाए इन चार ऑप्शन में तो एक तो यहाँ पर बन रहा है और एक यहाँ पर बन रहा है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग हो गया दोनों तो। ठीक है, और आउटसाइड क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो यहाँ पर क्या दिया ही नहीं है, इसका मतलब इसका ऑप्शन रहेगा नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 18A एंड द रेसिस्टेंस R इज वाउंड अप एज करंट कैरिंग कॉइल इन द शेप ऑफ द रेगुलर हेक्सागन ऑफ द साइड A, इफ द कॉइल इज कनेक्टेड टू द वोल्टेज V नॉट सोर्स V नॉट, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट विल बी। तो पहली बात तो यहां पर क्या दे रखा है कि इसकी जो टोटल लेंथ है वो 18A है और इसको किसमें कन्वर्ट किया है, 6 में। तो बेसिकली पॉइंट ये हुआ कि ये सिर्फ एक नहीं है, इसमें लूप बने हुए हैं, कितने लूप हैं, बस अपन को वही फाइंड करना है। तो लेंथ कांस्टेंट है, ये कितनी लेंथ है, 6, लेट लूप है n, तो मेरे पास बेसिकली n आ गया 3। इस क्वेश्चन में जो कुछ था वो 3 है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो मेरे पास ये आ गया कि जो है n का वैल्यू है वो क्या रहेगा। अब मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है तो वो क्या होता है, एन आई ए, आई के बारे में कोई डाउट नहीं है, एन अपने पास आ गया 3, आई का वैल्यू होगा जितना वोल्टेज है डिवाइड बाय आर वी नॉट। नो एरिया, एरिया बहुत इजी है, ये अपने पास एक ट्रायंगल है, इसका एरिया फाइंड करना है और इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तब इसको जब सॉल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा सेकेंड वाला। नेक्स्ट, ए पार्टिकल ऑफ चार्ज कूलॉम मूविंग with velocity 10 meter per second along the x-axis enter the region where the magnetic field of the induction B is the along the y-axis and electric field magnitude hai itna along the negative z-axis if the charged particle continue move along the x-axis। Dekho sabse baat, charged particle hai wo continue move kar raha hai, iska matlab force kya ho raha hai, balance ho raha hai। Force balance hone ka matlab hai ki QE jo hai is equal to QVB। Theek hai, to Q se to Q chala gaya, apne paas jo hai क्या क्या दे रखा है, और मैंने तो बी पूछा है। ठीक है, ई अपने पास गिवन है, दैट इज योर ई। ठीक है, वेलोसिटी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, अपने पास अपने आंसर इसे बी आ जाएगा, बी का आंसर आएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, द ईएमएफ ऑफ 15 वोल्ट इज अप्लाइड इन द सर्किट कॉइल कंटेनिंग 5 हेनरी 10 रेसिस्टेंस, द रेशियो ऑफ द करंट एट द टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी एन टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। देखो सिंपल सा ही है, जब भी करंट जाए तो क्या होता है, ई डिवाइड बाई आर 1 माइनस ई माइनस टी बाई 2। ठीक है, ये होता है जनरल। अब आपको एक तो पुट करना है ई बाई आर, तो आपको गिवन है ई है 15, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ई बाई आर या 1 माइनस 1 बाई 2। ठीक है, 2 आपको दे रखा है, एल और आर दे रखा है। ठीक है, अच्छा, और एक आपको पढ़ना है इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी पर क्या होता है, ई डिवाइड बाई आर, तो आपको टी इज टू इन्फिनिटी पर ई बाई आर, मतलब इसका
इन्फिनिटी पर एन टी इक्वल टू 1 सेकेंड का आपको जो है वो रेशियो पूछा गया है, तो इसका रेशियो आ जाएगा, यू विल गेट दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट द पेयर ऑफ कॉइल ऑफ टर्न एन वन एंड एन टू आर केप्ट क्लोज टूगेदर, करंट पासिंग थ्रू द फर्स्ट इज रिड्यूस एट द रेट आर वन एंड द ई एम एफ 3 वोल्ट इज डेवलप अक्रॉस द सेकेंड। देखो जो ई होता है वो है एल डी आई बाई डी टी, तो इन्होंने बोला है कि सॉरी म्यूचुअल है इसलिए यहाँ क्या आएगा एम एम, इन्होंने बोला कि यहाँ 3 वोल्ट है एम जब रेट ऑफ कितना है 1। अब बोला है कि इफ द सेकेंड कॉइल कैरीज द करंट विच इज द रिड्यूस एट द रेट ऑफ 2 आर, अब वो 2 आर से रिड्यूस हो रहा है, तो अपन को फाइंड करना है कि ई वन का वैल्यू कितना रहेगा, म्यूचुअल इंडक्शन एम ही रहेगा और ये आपको दे रहेगा 2 आर, जबकि यहाँ पर क्या दे रखा था आर। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर लो तो अपने पास आ जाएगा ई डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 1, तो इट इज 6 ओवर। नेक्स्ट द कंडक्टिंग लूप बींग पुल आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद द स्पीड वी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट में रिप्रेजेंट द पावर डिलीवर बाय द पुलिंग एज ए फंक्शन ऑफ द स्पीड। देखो पावर का फॉर्मूला होता है एफ इंटू वी, फोर्स का होता है बी आई एल और आई का होता है इंड्यूस डिवाइड बाई आर और ये होता है बी वी एल। तो बेसिकली आप देखो तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, सो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। जो पैराबोलिक आएगा वो इसका आंसर है, तो पैराबोलिक आपको दिख रहा होगा ये बी वाला, तो आंसर इज द बी। नेक्स्ट इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल 400 एंड द रेसिस्टेंस टू आर 20 आर द कनेक्टेड टू बैटरी ऑफ 12 वोल्ट एज शोन इन द फिगर, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज नेग्लिजिबल स्विच एज इज क्लोज्ड, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एल, इसके अक्रॉस आपको पूछा है कि पोटेंशियल ड्रॉप क्या रहेगा। तो देखो सिंपल सी बात है, एक बात तो इसमें ध्यान रखना कि जब इसको कनेक्ट करेंगे अपन तो इसमें तो करंट है वो वैसे ही फ्लो होता रहेगा, अपन को इसकी इक्वेशन लिखनी है, तो इसकी इक्वेशन मैं लिख लेता हूँ। इसमें करंट की इक्वेशन वो आएगी ई डिवाइड बाई आर टू ओनली, ठीक है सिर्फ आर टू यूज होगा ये ध्यान रखना, और यह क्या आ जाएगा 1e - t/2। ठीक है, अब आपको पोटेंशियल ड्रॉप पूछा है, तो पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है -LdIdt इंडक्टर के अक्रॉस। और इसको दूसरा निकालने का ये भी एक बहुत इजी मेथड है, आप यदि दूसरे मेथड से करना चाहो, मुझे पता है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना ई, तो मैं ई ऐसे लिख सकता हूँ, ये वो एक दूसरा इजी मेथड है, वी अक्रॉस द एल, इसमें से करंट कितना जाएगा -IR2। तो आपको वी एल पूछा है तो वी एल क्या आ जाएगा E+IR2। ठीक है, आप इसे करना चाहो तो करो वरना चाहे उससे कर लो, तो मैं उससे कर लेता हूँ एक बार, तो नेक्स्ट में चलते हैं। इसमें मुझे क्या करना है DI/DT, तो देखो DI/DT वो क्या आएगा E डिवाइड बाई R2, इसका ये 0, ये आ जाएगा -E - t/2, ये माइनस का यहाँ आ जाएगा 2 होता है L/R2, तो वही बात आ गई अपने पास घूम घुमा कर। ठीक है, तो जब मैं इसको अपन सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 12e - 5t। ठीक है, नेक्स्ट द इन सीरीज LCR सर्किट रेजिस्टेंस आर 10 ओम एंड द इम्पीडेंस Z10, द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज इज, देखो आपको LCR सर्किट दे रखा है, रेजिस्टेंस 10 दे रखा है एंड इम्पीडेंस भी 10 दे रखा है, तो इम्पीडेंस 10 दे रखा है इसका मतलब XL और जो XC है वो क्या हो गया इक्वल, इसका मतलब ये कौन सा सर्किट है, ये रेजिडेंस सर्किट में, और रेजिडेंस में होता है तो फेज डिफरेंस कितना होता है 0। नेक्स्ट
The inductor of resistance 1 and is connected to series to the terminal of 6 volt AC source, the power dissipate is, अब ये भी LC आर का लेकिन AC सोर्स के साथ है, तो AC सोर्स के साथ जो अपने पास पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है ERMS का स्क्वायर R डिवाइड बाई Z का स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये अपन जब इसको सॉल्व करेंगे तो सीधा सीधा आ जाएगा 18 वोल्ट, सिंपल सा है फॉर्मूला पुट करना। नेक्स्ट, इन LCR सीरीज सर्किट कंसिस्ट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम एंड कैपेसिटेंस ऑफ रिएक्टेंस 60 ओम एंड द इंडक्टर कॉइल, द सर्किट इज फाउंड टू रेजोनेट व्हेन द पुट अक्रॉस इतना वोल्ट एंड हर्ट्ज। ये आपको फ्रीक्वेंसी देख रही है, सप्लाई द इंडक्टेंस, द आपको इंडक्टेंस पूछा है। तो देखो आपको क्या क्या दे रखा है, कैपेसिटर ऑफ द रिएक्टेंस है 60, मतलब आपको जो एक्स सी है वो दे रखा है 60, तो डेफिनेटली रेजिडेंस में ये भी क्या रहेगा, एक्स एल, ठीक है। नाउ 60 इज इक्वल टू एक्स एल, क्या होता है एक्स एल होता है ओमेगा एल, दैट इज 2πf(L), ओके। तो अब जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा फर्स्ट, ओके। तो बहुत सिंपल से, बहुत आजकल का जो पैटर्न है, जो IIT वाले आजकल मेंस का जो पैटर्न दे रहे उसी पर पूरा पेपर था, बैलेंस पेपर था, होपफुली आपने इसको ढंग से किया होगा। अब अपन सेक्शन बी में चलते हैं, इसका जो इंटीजर टाइप का है, इंटीजर, द कॉपर रॉड ऑफ लेंथ 0.1 मीटर इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड पैरेलल टू द लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग द करंट। तो मैं डायग्राम बना लेता हूँ, ये एक है जिसके अंदर करंट जा रहा है 5 एम्पियर, द रॉड इज परपेंडिकुलर टू द वायर, ओके। तो ये एक रॉड है जो कि परपेंडिकुलर है और ये ऐसे जा रहा है वेलोसिटी v से, द रॉड इज इट एंड्स एट डिस्टेंस 0.01 एंड 0.2 मीटर फ्रॉम इट। तो ये आपको दे रखा है 0.01 यहां पर और ये दे रखा है 0.2 मीटर। तो आपके पास इसको पूछा है इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, तो देखो सिंपल सही है, या मैं एक छोटा सा पार्ट लूंगा, यहाँ आएगा इंड्यूस ईएमएफ, वो कितना आएगा, वो आएगा बी, आपको पता है बी वी एल, तो बी वी एल किसके क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं डी एक्स, ठीक है। बी गिवन है, बी कैसे फाइंड करेंगे, बी होता है म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2π, वेलोसिटी को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, दैट इज डी एक्स बाई एक्स, ठीक है, ये अपने पास आ गया। नाउ ओवरऑल फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, म्यू नॉट आई वी 2π इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स, जब अपन वैल्यू पुट करेंगे 0.012 ln2 का वैल्यू आपको 0.07 लेना है, सो दैट के अपन इंटीजर आंसर आ जाए, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 7, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट सेकंड, ए सोलेनोइड ऑफ डायमीटर 0.1 m एंड रेडियस एंड हैव इतना टर्न्स पर मीटर, आपको जो स्मॉल n दे रखा है वो दे रखा है 2×10⁴, ओके। सेंटर ऑफ द सोलेनोइड ए 100 टर्न कॉइल ऑफ द रेडियस एक दे रखी, देखो मैं इसको डायग्राम बना लेता हूँ, यहाँ पर ऐसे दे रखा है और इसके अंदर, इसके अंदर एक ऐसी कॉइल है जिसकी रेडियस दे रखी है r और इसका वैल्यू है 0.01 और इसके अंदर टर्न्स कितने 100। द करंट इन द सोलेनोइड इज डिक्रीजेज एट द कॉन्स्टेंट रेट फ्रॉम 1 to -2, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि पहले करंट यहां जा रहा था 1 एम्पियर, उसके बाद चेंज हो गया, तो उससे क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी तो बी की डायरेक्शन चेंज होगी, पहले यदि बी ऐसे था तो फाइनल में भी ऐसे हो गया, तो इसमें फ्लक्स में चेंज आ रहा है। अब एक नोटिस किया होगा, ये आपको जो रेडियस दिया, डायमीटर दिया है इसका सोलेनोइड का, वो 0.1 है, इसका सिर्फ यूज ये है कि जो सोलेनोइड है उसके कंपेरिजन में इसकी जो साइज वो छोटी है, इसका यूज ये है कि अपन ये एज्यूम कर सकते हैं कि इसकी साइज बहुत छोटी है, सो वी कैन एज्यूम कि पूरा का पूरा फ्लक्स जो है वो इसमें से पास हो रहा है। फाइंड द टोटल चार्ज इन माइक्रो कूलम फ्लोइंग थ्रू द सर्किट ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, ओके। तो बहुत सिंपल सा ये, रेसिस्टेंस आपको दे रखा है 40 πo² आपको
चार्ज फ्लो का फॉर्मूला पता होगा, दैट इज डेल्टा फाइ डिवाइड बाय आर। ठीक है, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। नाउ देखो फाइ का फॉर्मूला क्या होता है, बी एन ए कॉस थीटा। यदि मैं पहले जीरो लेता हूं तो ये फाइ इनिशियल हो गया, फाइ फाइनल हो गया अपने पास, बी एन ए कॉस 180 डिग्री। तो बेसिकली फ्लक्स में जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है 2 बी एन ए। ठीक है, और बी का वैल्यू अपन को पता ही है, बी का वैल्यू है म्यू नॉट एन आई, और एरिया है वो है पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, आप इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 16। ओके, नेक्स्ट, a vibration magnetometer placed in the magnetic meridian has the small bar magnet, the magnet exerts oscillation with a time period of 2 second. आपको पता है कि time period of oscillation कैसे find करते हैं, ये होता है m b sin theta, इसको लिखते हैं अपन i alpha, वो होता है m b angle छोटा हो तो theta, ये i यहाँ पर आ जाता है, that is your i, ये basically होता है अपने पास omega square. So omega है वो है directly, क्योंकि सब b में change हो रहा है तो ओमेगा है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, सो टाइम पीरियड होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बी। ठीक है, तो टी वन डिवाइड बाय टी टू, बी टू डिवाइड बाय बी वन। नाउ बी वन कब है, आप टी वन लेते हो, जैसे आपको पहले टाइम पीरियड 2 सेकंड दे रखा है, तो यदि मैं इसको लेता हूं 2 सेकंड, उस समय जो बी था वो है 24। अब आपको क्या बोला है, व्हेन ए हॉरिजॉन्टल फील्ड 18 माइक्रो टी इज प्रोड्यूस ऑपोजिट ऑफ द अर्थ फील्ड। अब 18 यदि इसको ऑपोजिट हो रहा है तो इफेक्टिव कितना हो जाएगा, 6, क्योंकि देखो 24 ऐसे 18 उसके, तो ये 6, तो ये मेरे पास हो जाएगा 6। ठीक है, तो अब जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4 सेकेंड। ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 1 एम एंड हैविंग 10 टर्न्स carries a steady current when the plane of the coil is normal to the magnetic meridian, a neutral point is observed, the center of the coil is, आपको horizontally दे रखा है, neutral point का मतलब होता है जहाँ पर magnetic field 0, तो basically बोलना चाह रहा है कि B H is equal to, कौन है, circular coil, circular point का क्या होता है, mu naught I divided by 2R, ठीक है, तो अब इसका अपन value put करेंगे, तो अब इसका answer आ जाएगा 5, next, In the experiment, electron are accelerated through the rest applying a volt, इतना magnetic field is applied, then the radius of the path given by, देखो R क्या होता है, basic formula होता है इसका m v divided by b q, इसको अपन लिखते हैं momentum divided by b q, इसको लिख सकते हैं 2m kinetic energy की जगह लिख लेंगे e into v divided by b into E, ठीक है, अब आपको सारा डेटा दे रखा है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 75 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 मीटर। ओके, सो थैंक्स बच्चों आज के लिए, देखो पेपर बहुत बैलेंस था, ना ज़्यादा टफ है ना एकदम इजी है, आजकल का जो पैटर्न है उसी को हमने फॉलो किया है, होपफुली आप इस पेपर को अच्छे से करोगे और एग्जाम की आपका डेट आ ही गई है तो आप अच्छे से तैयारी करो। ओके, थैंक यू।